देश में पहले चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे, लेकिन अब दूसरे चरण के लिए सभी पार्टियां तैयार हैं। प्रचार और प्रसार में पूरी ताकत सभी पार्टियों ने झोंक रखी है। इसी बीच जनता दरबार पहुंचा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से लोकसभा प्रत्याशी सीपी जोशी के चुनावी क्षेत्र में, जहाँ रोड शो से पहले सीपी जोशी ने हमारे संवाददाता उमंग माथुर से की खास बातचीत, आइए देखें। हम इस समय खड़े हैं चित्तौड़गढ़ में, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक रोड शो करने जा रहे हैं। गाड़ी आप मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, इसी गाड़ी के अंदर सीपी जोशी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो करेंगे। आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से लोकसभा प्रत्याशी सीपी जोशी साहब आ चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लालचंद कृपलानी जी भी उनके साथ है। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ में एक रोड शो करने वाले हैं। वैसा आपसे कुछ ही देर में आपका रोड शो होने वाला है, जनता से बात करिए। उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि भारी बहुमत से आपको जिता के भेजेगा। देखिए, मैं सोचता हूँ कि आज योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, हिंदू हृदय सम्राट, और जिनका विशाल रोड शो आज निम्बाड़ा में होने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी की 12 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, 13 सीटों पर चुनाव 26 तारीख को होने वाला है, और राजस्थान मोदी साथ है, राजस्थान की जनता फिर से मोदी जी के नाम पर मोहर लगाएगी और फिर एक बार मोदी सरकार के ध्येय को लेकर चले। पहले चरण में कम मतदान हुआ, क्या चिंता का विषय है? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ, कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं में पहले दिन से नर्वसता है, क्योंकि उनका नेता राहुल गांधी अपनी सीट छोड़ के चला गया, जिनको टिकट दिए वो अपने टिकट छोड़ के भाग रहे हैं, तो स्वयं कांग्रेस में नीचे तक निराशा है। ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जो कि चित्तौड़गढ़ से लोकसभा प्रत्याशी हैं। कुछ और लोगों से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के फेवर में एक रोड शो निकालने वाले हैं। लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सीपी जोशी साहब एक बार फिर से संसद की ओर जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? भारी मतों से जिताओगे? भारी मतों से। ऐसे अब क्या कुछ काम और रह गए जो आप चाहते हैं कि जोशी साहब करें? वो काम पूरा करेगा जोशी साहब। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ भी अब अधूरे काम रह गए हैं वो भी हम चाहते हैं कि सीपी जोशी साहब पूरा करें, और चित्तौड़गढ़ के विकास में एक बड़ी भूमिका यहाँ पर सीपी जोशी ने निभाई है, और इसीलिए शायद एक बार फिर से चित्तौड़गढ़ के निवासियों की पहली पसंद बने हुए सीपी जोशी साहब। चार लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सीपी जोशी साहब को एक बार फिर से जिता के भेज रहे हो? बिल्कुल, जरूर भेजेंगे। क्या कुछ काम उन्होंने यहाँ पर करे हैं? सब कुछ किया है विकास। अबकी बार 400 पार। ऐसे अब क्या कुछ और काम रह गए जो आप चाहते हैं कि सीपी जोशी साहब करें? सीपी जोशी जी कर रहे हैं, अभी 400 पट्टे दिए, मतलब 2.5 लाख करने की वादा किया था वो पूरा हो गया है क्या? और जो उनके विपक्ष में जो खड़े हैं वो एक बार फिर से वो सीपी जोशी साहब के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, उनके लिए क्या कहूँ? वो तो क्या है कि सिमट जाएंगे, ये 3.5-4 लाख वोटों से जीतेंगे सीपी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छे आदमी है, बढ़िया काम है इनका, योगी जी ने अच्छे अच्छे काम किए, सब मतलब भूमाफिया को, आतंकवादियों को नष्ट कर दिया। तो जोशी साहब ने चित्तौड़गढ़ के विकास के लिए क्या कुछ काम करे? बहुत कुछ काम करा है उन्होंने चित्तौड़ विकास के लिए। क्या बता, ये 4 ट्रेन चली है, अच्छे काम करे हैं सब कुछ। और युवाओं के लिए खास तौर पर अगर बात करें, क्योंकि विपक्ष लगातार हमला करता है कि बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ रही है राजस्थान में, बेरोजगारी बढ़ रही है तो फिर विपक्ष चालू का काम तो ये, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, ये जनता को पागल बनाने का काम है। राहुल गांधी को पता है आपको कैसा है पप्पू, जानते हो ना आप भी? नहीं जानते? कोई नहीं जानता पप्पू को, देखो ना वैसे काम है। मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार 400 पार, 400 से बहुत 450 भी हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ अभी आ रहे हैं सीपी जो बोलने जा रहे हैं, उनके सामने कौन बोलने वाला है यार? वो आ गए, मतलब चुनाव के नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं। मतलब चित्तौड़गढ़ की ये जनता है, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार एक बार फिर से
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब को एक बार फिर से संसद में भेजेंगे और साफ तौर पर कहना है कि जो काम उन्होंने चित्तौड़गढ़ के लिए करे हैं उस काम का जो नतीजा है एक बार फिर से वो लोकसभा के चुनावों में सेकंड फेज में दिखाई देगा और भारी बहुमत से सीपी जोशी को यहां से जिताकर चित्तौड़गढ़ की जनता भेजने वाली है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ जनता दरबार के लिए मैं उमंग माथुर। कली प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ है। 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में जो मतदान हुए और रुझान बताते हैं कि पूरे देश की जो आवाज है फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार का लक्ष्य अवश्य सफल होने जा रहा है। कल के चुनाव में आई इस प्रचंड तूफान में मोदी जी को फिर से देश की सत्ता सौंपने का निर्णय लिया है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सांप्रदायिक सोच के कारण, जातिवादी सोच के कारण यह देश पहले ही भारी नुकसान से चुका है। कांग्रेस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है।